Hey everyone, you're most welcome to this video. Guys, I'm gonna talk very important thing for you for speaking English. Guys, चलिए बात करते हैं आज किस वीडियो में. इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही खतरनाक चीजें देने वाला हूँ जिससे आपकी डेली लाइफ की जो कन्वर्सेशन होती है वो बहुत अच्छी बढ़ जाने वाली है. चलिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि नो वन एंड नो बडी. देखिए वर्ड तो डिफरेंट है लेकिन इसका मीनिंग सेम होता है. इसका मीनिंग होता है कोई नहीं. ठीक है, और एक बताना चाहूंगा कि ये दोनों जो है अलग अलग लेकिन सेम है. लेकिन गाइस ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है. कहने का मतलब आप नो वन के स्थान पर नो बडी यूज कर दीजिए चाहे नो बडी के स्थान पर नो वन यूज कर दीजिए. जैसे कोई नहीं देखा, नो वन सा, या कह सकता हूं नो बडी सा. समझ में आ रहा है? मैंने बताया ना दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे के स्थान पर यूज हो सकते हैं. जैसे मेरे यूट्यूब चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या नो वन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, या फिर कह सकता हूँ नो बडी सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी से करिएगा. ठीक है, आपको किसी ने नहीं पीटा. चलिए इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, देखता हूँ आपको समझ में आया कि नहीं. चलिए और देखते हैं. और है नो वेयर. नो वेयर का मतलब होता है कहीं नहीं. देखिए वेयर स्थान के बारे में, नो मतलब कहीं, मतलब नहीं. नो वेयर मतलब कहीं नहीं. जैसे मैंने उसे कहीं नहीं देखा, आई सा नो वेयर. आई सा नो वेयर. ठीक है, जैसे कि मैंने उसको कहीं नहीं पैसे दिया. जैसे कहते हैं आपने वहां दिया पैसे कि वहां दिया, मैंने उसे कहीं पैसे नहीं दिया. क्या बोलूंगा, आई गिव मनी नो वेयर. कैनी पॉइंट्स आपके लिए एक एग्जाम्पल है. ठीक है, मैंने उसको कहीं नहीं पढ़ाया. कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा. चलिए देखते हैं. एक है नथिंग. क्या है नथिंग? थिंग मतलब कोई वस्तु, नो मतलब नहीं. नो थिंग मत पढ़िएगा, नथिंग है कुछ नहीं. जैसे क्या आप जानते हो? हाँ जी मैं जानता हूं. मैं कुछ नहीं जानता, आई नो नथिंग. आई नो नथिंग. अब ये मत करिएगा आई डोंट नो नथिंग. मैंने कहा इसमें सब में नो लगा है भैया जी, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं होगा, आई नो नथिंग हो जाएगा. ठीक है, चलिए बोलिए मैंने कुछ नहीं बोला. ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने एक और धमाकेदार लाता हूं, वो है एवरीवन या फिर एवरीबॉडी. बहुत आर सेम भैया, घबराइएगा मत. इसका मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक लोग या हर लोग. प्रत्येक समझ सकते हैं आराम से, एवरीवन या एवरीबॉडी. ज्यादा डिफरेंस नहीं, नॉर्मली समझ सकते हैं. जो एवरीवन होता है रिटेन में ज्यादा आता है एंड थोड़ा सा फॉर्मल टाइप होता है. बाय द वे डिफरेंस में समझिए, इतना समझिए दोनों इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे के स्थान पर यूज हो सकते हैं. जैसे सभी लोग पागल हैं, सब सभी लोग पागल हैं सिर्फ आपको छोड़कर, क्योंकि आप बहुत माइंडेड है. ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एवरीवन इज मैड. एवरीवन इज मैड, या फिर बोल सकते हैं एवरीबॉडी इज मैड, क्योंकि दोनों इंटरचेंजेबल हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैं क्वेश्चन दे देता हूं, देखते हैं क्या है. सभी लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे? आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा. नेक्स्ट अब आता है एवरीवेयर. क्या होता है एवरीवेयर? मतलब होता है प्रत्येक जगह, यार हर जगह. जैसे आप मुझे हर जगह पा सकते हैं, यू कैन गेट मी एवरीवेयर. ठीक है, आप अंग्रेजी हर जगह सीखते हैं, यू लर्न इंग्लिश एवरीवेयर. लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा. चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है. ठीक है, जैसे कि आप हर जगह मस्ती करते हो, यहां भी आके मस्ती करते हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो, तो क्या हो गया, आप हर जगह मस्ती करते हो. आपके क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारे पास Everything, everyone, everybody, and everywhere, everything. ये लास्ट वाला है, चौथा वाला. Everything का मतलब होता है सब कुछ. जैसे क्या आप जानते हैं, आप कहेंगे यस सर मैं सब कुछ जानता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई नो एवरीथिंग. क्या बोलेंगे, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आप क्या खाते हैं, आप कहेंगे सर मैं सब कुछ खाता हूं, आई ईट एवरीथिंग, मैं सब कुछ खाता हूं. ठीक है ना जी. चलिए जैसे कि मैंने बोला, एग्जाम्पल लिया है आपको. ठीक है, मैंने बोला कि आप क्या क्या करते हैं, तो आपने कहा सर मैं सब कुछ करता हूँ. ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच. जय जय भारत. मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन हर सुबह 6 बजे आपके लिए रेडी हूँ जितेंद्र. थैंक यू सो मच. जय जय भारत.